Hello friends, I'm your host Ravi and you're watching Arc Info Zone, information for all. आज हम बात करेंगे OnePlus 5 की लेटेस्ट अपडेट ऑक्सीजन OS 4.5.14 की. OnePlus ने ये लॉन्च कर दिया है और आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा. इसकी अपडेट अभी इंडिया में नहीं आई है तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने OnePlus 5 फ़ोन में. सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए और चेक करिए सिस्टम अपडेट्स के अंदर क्या आपको ये अपडेट आई है नहीं. अगर नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. आप जाइए प्ले स्टोर पे जाकर आप वहाँ टाइप करिए ओपेरा VPN. ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे. मैं ऑलरेडी ओपेरा VPN अपने फ़ोन में डाउनलोड कर चुका हूँ सो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. और उसके बाद हम ओपेरा VPN को ओपन करेंगे और मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा. और यहाँ आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी रीजन पे कनेक्ट करना है. जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कनाडा. अब ये कनेक्ट होगा तो आपको दिखाएगा कि मेरा रीजन लिखा हुआ आएगा कनाडा. आपको दिखेगा वहाँ पे यू आर कनेक्टेड टू कनाडा. अब मैं वापस से जाऊँगा अपने फ़ोन की सेटिंग में और क्लिक करूँगा सिस्टम अपडेट्स में. और यहाँ अब आप देखेंगे कि मुझे सिस्टम की अपडेट्स शो करेगा. तो ये है नई अपडेट ऑक्सीजन OS की 4.5.14. इसके अंदर जो सिस्टम में हमें अपडेट्स मिलने वाली हैं वह एयरटेल वोल्टे इन इंडिया जो हमें सपोर्ट मिलेगा और आपको मिलेगा सपोर्टेड बैंड 66 ऑफ फ्रीडम इन कनाडा और कुछ वाईफाई WPA2 की सिक्योरिटी का इश्यू का जो था वो आपको सपोर्ट मिलेगा. इसी तरह से कुछ अपडेट्स आपको इसमें मिलेंगी. अब हमें क्या करना है, हम जो नीचे डाउनलोड नाउ का आपको साइन दिख रहा है आप वहाँ क्लिक करेंगे और इस डाउनलोड को स्टार्ट करेंगे. अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मेरी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है और ये डाउनलोड आपका हो जाएगा. सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि आप OnePlus 5 में लेटेस्ट OS को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, गुड बाय.